हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। सो स्टूडेंट, आज हम जीके में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कौन सा वाला चैप्टर? चैप्टर 5। तो चलो स्टूडेंट, सभी जीके की बुक में चैप्टर 5 निकालो। चैप्टर 5 है फ्रूट पंच। कौन सा वाला चैप्टर है? फ्रूट पंच। इसका मतलब है कि ये वाला जो चैप्टर है उसमें कई अलग अलग फ्रूट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है फ्रूट्स आर जूसी एंड टेस्टी, मतलब कि ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं वो एकदम जूसी और टेस्टी होते हैं। मतलब कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें से जूस भी हमारे मुंह में आता है और वो टेस्टी भी होता है। दे गिव अस एनर्जी, ये सारे फ्रूट्स हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक होते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट, ये है हमारे सारे फ्रूट्स। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे है अनस्क्रेमेबल द वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ द फ्रूट, मतलब कि यहाँ पर ये जो सारे फ्रूट्स है इसके जो नाम है वो उल्टे उल्टे हैं, मतलब कि आगे पीछे है, तो इसको हमें सही से लिखना है। ठीक है, तो चलो सभी अपनी पेंसिल निकालो और मेरे साथ लिखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये है एप्पल। क्या है ये? एप्पल। तो यहाँ पर इसका जो स्पेलिंग है वो उल्टा फुल्टा है, मतलब कि आगे पीछे, तो हम इसे सही से लिख लेते हैं। एप्पल का स्पेलिंग है APPLE, एप्पल। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है ये सेकेंड, ये है लीची। क्या है ये? लीची। तो लीची का स्पेलिंग भी यहाँ पर उल्टा है, तो हम इसे लिखते हैं। तो लीची का स्पेलिंग है LICTHI, यह है लीची। इसके बाद है ये थर्ड वाला मैंगो। तो मैंगो का स्पेलिंग है MANGO, मैंगो। फिर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये है बनाना। ये बनाना का स्पेलिंग है BANANA, तो ये है बनाना। इसके बाद देखो ये क्या है, ये है ऑरेंज। तो ऑरेंज का स्पेलिंग है ORANGE, ये है ऑरेंज। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये है ग्रेप्स। बी ग्रेप्स का स्पेलिंग है GREPES, ग्रेप्स। ये है पपाया। पपाया का स्पेलिंग है PAPAYA, यह है पपाया। इसके बाद है ये पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का स्पेलिंग है PINEAPPLE, यह है पाइनएप्पल। तो ये हो गया ना, ये सारे स्पेलिंग करेक्ट। ओके, अभी ये सारे स्पेलिंग के बाद हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ये है I am called the king of fruit, मतलब कि मैं फ्रूट का राजा हूँ, मुझे सब लोग फ्रूट का राजा कहते हैं। तो फ्रूट का राजा कौन है आपको पता है? फ्रूट का राजा है मैंगो, है ना। और मैंगो तो सबको पसंद है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज यू आर लेस लाइकली टू गो टू द डॉक्टर इफ यू ईट मी डेली। इसका मतलब है कि अगर आप लोग मुझे हर रोज खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि डॉक्टर आपको हमें हर रोज ये फ्रूट खाने के लिए कहते हैं। तो ये कौन सा वाला फ्रूट है? यह है एप्पल।
डॉक्टर हमें हर रोज एक एप्पल खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि एप्पल बहुत एनर्जेटिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन यू स्पीक माय नेम यू रिमेंबर योर फादर, मतलब कि जब भी आप मेरा नाम बोलेंगे आप अपने पापा को याद करेंगे। तो मुझे तो ये पपाया लगता है, क्योंकि देखो PAPA पापा तो हो गया ना पपाया। तो यहाँ कौन सा फ्रूट आएगा, यहाँ पे आएगा पपाया। इसके बाद 4 क्वेश्चन इज माई नेम हॉज एप्पल इन इट बट आई एम नॉट एन एप्पल, हु एम आई। ये बोल रहा है कि मेरा नाम तो एप्पल है लेकिन मैं एप्पल नहीं हूँ, तो ये कौन है? मुझे पता ये है पाइनएप्पल, क्योंकि पाइनएप्पल में एप्पल आ जाता है, तो ये है पाइनएप्पल, है ना। इसके बाद है ये 5th वाला क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो द नेम ऑफ अ कलर। ये इसका मतलब है कि मैं एक फ्रूट भी हूँ और एक कलर का नाम भी हूँ। तो ऐसा कौन सा वाला फ्रूट है? ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर का नाम भी है और ऑरेंज फ्रूट भी है ना। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन टाइम हो गया। अभी आप सभी एक बार घर पर पढ़ लेना, ठीक है? चैप्टर 5 फ्रूट पंच के। बाय बाय बच्चों, वंदे मातरम।